Zindabad! 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 Tarikhne sahab, hosh mein aao! Hosh mein aao! Hosh mein aao! Tarikhne sahab, hosh mein aao! Hosh mein aao! Hosh mein aao! Hosh mein aakar baat karo! Baat karo! Baat karo! Hosh mein aakar baat karo! Baat karo! Baat karo! Walazim edad zindabad! 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 जी हम लोग मल्टीपर्पज वर्कर हेल्थ वर्कर्स यहाँ जमा हुए हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं इस रिगार्डिंग कि हमें कोई प्रमोशन पिछले 30 साल से नहीं मिल रही है। हम लोग स्टैगनेंट है एक ही जगह पर, एक ही पोस्ट पर मल्टीपर्पज वर्कर्स। हम लोगों की जो है एक तो डिप्लोमा है, क्वालिफाइड वर्कर्स है, लेकिन जो प्रमोशन मिल रही है वो मिल रही है उन लोगों को जो ना प्रमो ये ना जो टेक्निकल हैंड है और ना ही क्वालिफाइड है। अगर नर्सिंग ऑर्डरली को हमारे सुपरवाइज़र बना कर ले आ रहे हैं, उनको BHW बना रहे हैं, उनको JHI बना रहे हैं, उनको हेल्थ एजुकेटर बना रहे हैं, फील्ड वर्कर उसको हमारा सुपरवाइज़र बना रहा है किस बुनियाद पर, जबकि उनके पास कोई डिप्लोमा नहीं है। अगर मल्टीपर्पज़ हेल्थ वर्कर खुद अपना सरिंज उठाकर बच्चों के लिए इम्यूनाइजेशन करता है तो ये जो हमारे सुपरवाइज़र बैठे हैं ये किस रंग से आ रहे हैं और हमें सुपरवाइज़ करते हैं, जबकि उन्हें इनकी इस चीज़ की नॉलेज ही नहीं है, जबकि उनको इस चीज़ का डिप्लोमा ही नहीं है। पहले क्यों ना आप उन्हें डिप्लोमा होल्डर बनाए ताकि बाद में वो हमारे सुपरवाइज़र, या तो सीधी सी बात है कि मल्टीपर्पज़ वर्कर अगर खुद ये काम कर रहा है उसका सुपरवाइज़र MPW ही होना चाहिए, मल्टीपर्पज़ वर्कर का सुपरवाइज़र MPW होना चाहिए, सो दैट हेल्थ एजुकेटर हो, LHV हो, CHO हो, ये सिर्फ मल्टीपर्पज़ वर्कर का हक है और किसी का नहीं। ये हक से हक हमसे छीना जा रहा है, किस बुनियाद पर छीना जा रहा है ये हमें डिपार्टमेंट बोल नहीं रहा है। और हमारे दो हेड हैं 22/10 और 22/11, पहले तो हम इकट्ठे थे, बाद में 22/11 का जो डायरेक्टर है वो अलग हो गया और उनकी LHV के लिए उनको ले लिया जा रहा है, लेकिन 22/10 को बिल्कुल इससे अलग किया गया। अब हमारी लड़कियों को LHV का भी पोस्ट नहीं मिल रहा है, जब भी हम कहीं जाते हैं बोलते हैं आपको LHV मिल रहा है, लेकिन 22/10 को कोई LHV नहीं मिल रहा है, कुछ भी नहीं मिल रहा है। इसकी भी मेन वजह यही है LHV का क्यों नहीं हमें मिल रहा है, इनको मालूम है कि अगर ये LHV बन गई कुछ ही सालों में इनको CHO बना दिया जाएगा, CHO की पोस्ट पर बैठने के लिए ये नर्सिंग ऑर्डरलीज, ये कुक्स, ये खाना बनाने वाले, ये धोबी, ये क्या करते हैं CHO तक पहुंचने के लिए हमारी लड़कियों को LHV भी नहीं बनने दे रहे हैं, हमारी लड़कियां LHV भी नहीं बन पा रही हैं। इसीलिए हम लोगों का हर एक हक जो भी हमें मिलना चाहिए था डिपार्टमेंट की तरफ से वो सारा ये लोग ले रहे हैं। बराए मेहरबानी आप हमारे डायरेक्टर साहब, हमारे कमिश्नर साहब, हमारे LG साहब, हमारे जितने भी कंसर्न हैं, आप यकीन नहीं करेंगे हमारे जितने भी सुपरवाइजर्स हैं डिपार्टमेंट में, झाड़ू पोछा करने वाले से लेकर हेल्थ कमिश्नर तक सब मल्टीपर्पज वर्कर को सुपरवाइज करने आता है। अब हमारी समझ में नहीं आ रहा अब डिपार्टमेंट में क्या कोई और रह गए हैं जो हमारा सुपरवाइज़र नहीं है, क्यों हमारे सुपरवाइज़र हैं ये सब, हम लोग कौन हैं, क्या हम अछूत जात हैं, क्या हम नीच जात हैं, क्या हम कुछ नहीं है, सारा काम झाड़ू पोछे से लेकर सब काम हमसे लिया जा रहा है ये कहकर कि आप मल्टीपर्पज़ वर्कर हो। मुझे समझ में नहीं आ रहा है मल्टीपर्पज़ वर्कर नाम पढ़ना, क्या हमने कोई गुनाह किया है इसलिए कि सारा काम हमसे ही लिया जाएगा। प्लीज़ हमारे डिपार्टमेंट तक ये बात पहुँचा लीजिए, अगर सब काम हम करें तो हमारी पोजिशन अपग्रेड करो, हम लोगों को हमारी लड़कियाँ जो सीनियर है सीनियरिटी लिस्ट के हिसाब से हमें आगे करो। आज यहाँ हमारा जो मकसद है आने का वो बस ये है कि डिपार्टमेंट जो OPG ओब्लिक DPC करने वाली है जिसके हम सख्त खिलाफ हैं, क्योंकि ऑलरेडी कोर्ट का स्टे है सभी प्रमोशंस पे, कमिश्नर सेक्रेटरी का उसकी गाइडेंस है कि किसी भी कैटेगरी को तब तक प्रमोशन नहीं होनी चाहिए जब तक रूल्स SRO 20 फाइनल अमेंड ना हो। ये अपने बलबूते पे यहाँ पे ये प्रमोशन करने वाले हैं, हम उसको रोक रहे हैं, क्योंकि पिछले 31 साल से अगर हम एक ही पोस्ट पे हैं, अगर हम एक ही पोस्ट पे स्टेगनेंट है, आज तक डायरेक्टरेट या कमिश्नर सेक्रेटरी ने इस बारे में क्यों नहीं सोचा, वो हमारे साथ इतनी नाइंसाफ़ी क्यों हो रही है, क्या हम इस डिपार्टमेंट का हिस्सा नहीं है, हमने कौन सा गुनाह किया है जो हमें पिछले 31 सालों से एक ही पोस्ट पर रखा गया है, जबकि हम उसके हकदार हैं, हम नेक्स्ट प्रमोशन के हकदार हैं। और कानून भी कह रहा है, कानून भी ये कह रहा है कि हर किसी जो भी कैटेगरी हो किसी भी डिपार्टमेंट आफ्टर नए इनियोरस उसका जो है कैडर बदलना चाहिए, लेकिन हम 31 सालों से एक ही पोस्ट पर हैं और लेकिन डिपार्टमेंट जो है वो टस से मस नहीं हो रहा है।
हमारा यहां आने का बस यही मकसद है तब तक प्रमोशन किसी की नहीं होनी चाहिए तब तक ओबीजी किसी की नहीं होनी चाहिए जब तक रूल्स फाइनल ना हो जब तक हमारा भी कुछ ना हो इसलिए मैं आपकी वसादत से डायरेक्टरेट को कमिश्नर सेक्रेटरीट को ये मैसेज देना चाहता हूं कि अगर उन्होंने ये डीपीसी ये इलीगल डीपीसी और ये ओपीजी आप उन्होंने बंद नहीं की हम उनको 31 जनवरी तक टाइम देते हैं अगर उन्होंने हमारे बारे में कोई लाइमल नहीं निकाला तो हम 31 जनवरी से इंडिफिनिट स्ट्राइक पे जा रहे हैं यह बात उनको याद रहे हम आपकी वसादत से यह बात उन तक पहुंचाना चाहते हैं बाकी थैंक यू वेरी मच डीपीसी बंद करो।